राजनाथ सिंह साहब ने जो अभी रिसेंटली एक आई थिंक इन्फेंट्री डे था उस पर उन्होंने बात की पाकिस्तान के हवाले से कि हम गिलगित भी ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे। आप क्या समझते हैं इंडिया में क्या माइंडसेट है कि क्या पाकिस्तान पे हमला करना, डू यू थिंक दैट दिस इज अ नॉर्मल अप्रोच व्हाट द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इज थिंकिंग कि गिलगित बल्तिस्तान हम बाय फोर्स लेंगे, या कि आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिशियन जो हैं ये सियासी रंग देते हैं इन चीज़ों को ताकि ज़्यादा एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो कि फिल पॉलिटिकल स्पेस कवर करने के लिए, तो आपके व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एज अ सोल्जर? जय हिंद दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके पे दिए गए बयान को लेकर पाकिस्तान में जो भूचाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी संबंध में कमर चीमा साहब ने जब कर्नल सिन्नी से बात की जो डिफेंस एनालिसिस्ट है, तो उन्होंने किसी सदैव शब्दों में उसका जवाब दिया है और पाकिस्तान को बता दिया है कि भारत कभी भी चाहे तो पीओके को काबिज कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है। जब जहाँ तक श्री राजनाथ सिंह जी का सवाल है, वो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं और साथ में ही वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कभी भी एक शब्द भी उनके मुंह से कोई ऐसा नहीं आता है कि कोई कॉन्ट्रोवर्शियल हो, या कहने का मतलब है वो बहुत चुन चुन के अपना जो शब्दों का यूज़ करते हैं। और जिस स्पीच की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तकरीबन एक घंटा 20 मिनट तक है और उसमें उन्होंने लिखित स्पीच पढ़ी है, मतलब लिख के लेकर आए थे और लिख के देख के वो बोल रहे थे। ये भी नहीं है कि उन्होंने एकदम मन में जो बात आई है वो बोले, तो उन्होंने एक सोची समझी स्पीच है। और मैं ही मानता हूं कि ये जो स्पीच है सिर्फ जो आगे बैठे थे जो फौजी और जो बाकी लोग हैं उनके लिए तक नहीं था, उनको पता था कि मैं जो बोलने वाला हूं वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और उसकी चर्चा होगी। और एक ही दिन पहले उसको आपको पता होगा, जैसे 27 को आपने सही बताया इन्फेंट्री और शौर्य दिवस की तरह हम जो मानते हैं, उससे एक दिन पहले ही रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी से बात की थी यूक्रेन और उसके बारे में, और साथ ही उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बात की। तो उस स्टेचर में जो एक रक्षा मंत्री जी जब एक रिटर्न स्पीच लेके आते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इट इज अ वेल थॉट आउट स्पीच बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने क्यों बोला, अब ये बात है कि क्या बोला और क्यों बोला, और ये ऐसी क्या चीज है जो बाकी जो पॉलिटिशियंस, आपकी बात मैं मानता हूँ कि बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते थे, पहले भी आए हुए अभी भी आए, तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो मैं देख रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट है। इसमें श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या एक ऐसी चीज कही है कि हमारे देश में जैसे भारत में और जो भारतीय पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वो जो दर्द है वो हमें भी महसूस हो रहा है, और आने वाले वक्त में वो जो भारतीय हैं वो खुद ही एक ऐसा, जो आपके लैंग्वेज में अगर बोले सैलाब बोलो या रेबेलियन बोलते हो, वो एक आएगा करके उन्होंने एक हिंट दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक अलग चीज है, और इसका कारण भी ये है कि वाकई में बहुत सालों से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी सारी चीजें हैं जो बाहर रिपोर्ट नहीं होती लेकिन उनके अंदर अंदर काफी सारी चीजें रहता है। ये आपको भी पता है कि जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी जो रीजन है, काफी पिछड़े हुए एक एरिया है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो बात करें, तो ये एरिया जो है वो बैकवर्ड है। उस एरिया में काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते रहे हैं लेकिन उसको कभी चर्चा नहीं हुई है, कभी बाहर उसको लेकर नहीं आ पाए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज श्री राजनाथ सिंह का ये है कि इस चीज को इंटरनेशनल ऑडियंस तक लेके आए। जैसे मैंने पहले कहा, जब वो बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, और इस बात का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, जो हम अपने लोग ही मानते हैं, उनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात है वो दुनिया के ऊपर लेकर आने का एक सबसे बड़ी एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की तरफ मैं देखता हूँ।